इधर सपा सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। राम भुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। सुल्तानपुर से सपा के सांसद हैं। राम भुआल निषाद और नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं होने पर यह वारंट जारी किया है। गोरखपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस बाबत वारंट जारी किया। नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में आदेश दिया है शवपुर रखकर जाम करने का मामला बताया गया। तो उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ जमकर आपको बता दें के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए ज्ञानेंद्र कुमार ने इस संबंध में बकायदा नोटिस जारी किया। कोर्ट ने एसओ बड़हलगंज को आदेश दिया सपा सांसद को गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर किया जाए। सपा सांसद के खिलाफ कोर्ट की कार्रवाई के दौरान आदेश के बावजूद मौजूद नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये मामला साल 2015 का है जब मृतक के शव को पुलिस की देखरेख में दाह संस्कार के लिए लाया जा रहा था। तभी राम भुआल निषाद के नेतृत्व में सैकड़ों लोग नेशनल हाईवे पर आ गए थे। इधर महाराष्ट्र के जालना में एनआईए की रेड हुई है। जालना के चमड़ा बाजार में व्यापारियों से पूछताछ की जा रही है। देश विदेशी गतिविधियों में शामिल होने का शक जाहिर किया गया है। तो देखिए इस बाबत इनपुट कहीं ना कहीं एनआईए को हासिल हुए थे। देश विरोधी गतिविधियों में क्या ये तमाम व्यापारी शामिल हैं, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। महाराष्ट्र के जालना में एनआईए की इस वक्त छापामार कार्रवाई है, पूछताछ लगातार जारी है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक जाहिर किया गया है। उस बाबत इनपुट भी एनआईए को मिले थे और उस बाबत रेड की गई है। फिलहाल तस्वीरें देखिए जरा आप, जालना की तस्वीरें, यहां पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक जाहिर किया गया और अब एनआईए लगातार छापामार कार्रवाई में जुटी हुई है। पूछताछ इस वक्त की जा रही है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक जाहिर किया गया है। महाराष्ट्र के जालना में एनआईए की रेड।